हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, जो कि है आपका एमएमपी के रिगार्डिंग, और टॉपिक है आपका डेल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये जो हमारा डेल ऑपरेटर है, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ऑपरेटर है। अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, तो वहाँ भी यूज़ होगा। हम बात करें अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो वहाँ भी यूज़ होगा। क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज होता है, और मैथमेटिकल फिजिक्स में तो यूज होता ही है। तो ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, देखते हैं कि डेल ऑपरेटर एक्चुअल में क्या है। तो सबसे पहले यहां पर है हमारी डेल ऑपरेटर। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहां पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी हमने यहां पे इसको लिखा हुआ है। हम यहां पे अगर देखें तो ये डेल ऑपरेटर है। ठीक है, तो मैं हाईलाइटर ले लेता हूं। तो ये हमारा क्या है, डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल ऑपरेटर ये होता है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है मेरे पास डेल ऑपरेटर, जिसकी वैल्यू होती है डेल इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप। ठीक है, इसको हम आई कैप लिख लेते हैं, यूनिट वेक्टर है ये। ठीक है, फिर होगा डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, फिर होगा डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, इन सब के ऊपर कैप लगा हुआ है कुछ इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब ये जो हमारे पास डेल ऑपरेटर होता है, ये किसी फील्ड के ऊपर ऑपरेट होते हैं। तो अब हम बात करें कि यहाँ पे जो फील्ड होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फील्ड लें, सपोज करो मेरे पास दो तरीके के फील्ड हैं। ठीक है, ये है मेरे पास फील्ड्स। अगर हम यहाँ पे फील्ड्स की बात करें, तो दो तरीके की फील्ड्स होंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। फील्ड हमारे पास दो तरीके की, एक होगी आपके पास स्केलर फील्ड, एक होगी स्केलर फील्ड, और दूसरी होगी हमारे पास वेक्टर फील्ड। ठीक है, ये दो फील्ड्स होती हैं। अब जो स्केलर फील्ड होती हैं, स्केलर फील्ड को हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे डिस्टेंस है ना, जैसे टेम्परेचर्स, तो ये सब हमारे क्या है, स्केलर फील्ड। अगर वेक्टर फील्ड की बात करूं, तो फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये सब क्या है, आपके वेक्टर फील्ड्स। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा कि अगर मैं स्केलर फील्ड के ऊपर डेल को ऑपरेट करता हूं, ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे पास एक स्केलर फील्ड है एफ, ये मेरे पास एक स्केलर फील्ड एफ है। तो अब अगर मैं यहां पर डेल को ऑपरेट करूं, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास डेल। तो आपने देखा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको इस तरीके से यहां पे ऑपरेट कर रहा हूं। तो इस चीज को हम बोलते हैं ग्रेडियंट। अगर हम किसी स्केलर फील्ड के ऊपर डेल को ऑपरेट करते हैं, तो वो हमारा ग्रेडियंट बन जाता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये हमको क्या देगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। मतलब फील्ड आपका स्केलर है, लेकिन जब आपने उसको ऊपर डेल लगाया, तो वो क्या बन गया, एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया। अब यहां पे बात आती है वेक्टर्स की, वेक्टर फील्ड की। तो वेक्टर फील्ड भी हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, मतलब वेक्टर फील्ड में हम डेल को दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। सपोज करो ये है मेरे पास एक फील्ड ए। ठीक है, ये वेक्टर फील्ड है। अब इस वेक्टर फील्ड में मैं डेल को कैसे ऑपरेट कर सकता हूं, तो यहां पे अगर मैं डेल को ऑपरेट करूंगा, तो एक तो मैं ये लिख सकता हूं डेल डॉट ए। तो ये होता है हमारा डाइवर्जेंस। मतलब हम डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फील्ड का ही ले सकते हैं। इसकी तरह यहां पर अगर हम बात करें, तो ये होगा डेल क्रॉस ए। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, डेल क्रॉस ए, इसको हम बोलते हैं कर्ल। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास दो टाइप की फील्ड्स होती हैं, एक स्केलर फील्ड होती है, एक मैग्नेटिक और एक वेक्टर फील्ड होती है। अगर हम स्केलर फील्ड का डेल लेते हैं, तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, और अगर हम यहाँ पे वेक्टर फील्ड का डेल लेते हैं, तो वहां पे हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, या तो हम डाइवर्जेंस ले सकते हैं, या हम कर्ल ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर हम यहाँ पे कलर चेंज करें, तो आप देख सकते हैं कि ग्रेडियंट ये हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट। ठीक है दोस्तों, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन
इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसको हम यहां पर इससे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, ये हमारा इसका सिंबल है इसको रिप्रेजेंट करने का। अब हम बात करते हैं यहां पे इसके बारे में, तो आप देख सकते हैं डाइवर्जेंस, ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब अगर मेरे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है और उसका मैं डाइवर्जेंस ले रहा हूं तो वो क्या बन जाएगा, स्केलर। ठीक है, आपको केवल उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा और लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है, ये हमारा लिखने का इसको तरीका है। फिर हमारे पास ये है कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, तो ये हमारे पास कुछ ये रहा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास कुछ ये रहा, तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास ये है। इसको हम इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, द लाप्लासियन ऑफ ए स्केलर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लाप्लासियन को कैसे लिख सकते हैं, तो लाप्लासियन लिखने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहां पर आप पहले निकालो डेल डॉट ए और फिर ले लीजिए उसका डेल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लाप्लासियन। ठीक है, तो ये आपका लाप्लासियन है और इसको लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। आई थिंक आपको ये चीजें यहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका लाप्लासियन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास क्या है, इसका डेल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसका लिखा हुआ है। तो आई थिंक दोस्तों ये चीज है आपकी, डेल ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बताया, तो इसको आप इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, तो इसी टाइप के कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं क्लास में, बाय बाय।